हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम वंस अगेन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लानट अर्थ बहुत ही सुंदर प्लानट है विच प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट ह्यूमन नीड टू फुलफिल देयर वेरियस रिक्वायरमेंट ह्यूमन को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें कई सारी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है आपको पता होगा नेचुरल रिसोर्स में नेचर आ रहा है यानी कि ऐसी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल मटेरियल ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल सराउंडिंग ऐसे मटेरियल जो हम नेचुरल सराउंडिंग्स से लेते हैं अर्थ सरफेस के अंडर से ले सकते हैं नीचे से उन्हें हम क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्स कहते हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड लिक्विड और गैस ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं सॉलिड में लिक्विड में या गैस में एयर वाटर सनलाइट जो भी हैं वो सब क्या हैं नेचुरल रिसोर्स हैं अब और भी हैं जैसे कि एनिमल में आते हैं प्लांट हैं कोल है पेट्रोल है नेचुरल गैस है मेटल हैं सॉयल मिनरल ये सब क्या हैं ये नेचुरल रिसोर्स हैं आइए जानते हैं नेचुरल रिसोर्स की कितनी कैटेगरी में बांटा गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजन नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक बेसिस ऑफ ऑरिजन पर नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नंबर वन है बायोटिक और दूसरी है अबायोटिक बायोटिक रिसोर्सेज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ बायोटिक रिसोर्स में सारी लिविंग आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट एनिमल एनिमल क्या हैं लिविंग हैं फॉरेस्ट में प्लांट जो हैं पौधे हैं ट्री हैं क्या हैं वो लिविंग हैं तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज दैट आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ ये क्या हैं जो लिविंग होते हैं अबायोटिक इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग आती हैं नॉन लिविंग ऐसी चीज़ें नहीं जो ह्यूमन मेड है जैसे टेबल चेयर ये नहीं आएगा नॉन लिविंग जैसे एयर वाटर सनलाइट लैंड ये क्या हैं ये नेचर से मिली हैं बट ये लिविंग नहीं है तो अबायोटिक में वो आएंगे जो नॉन लिविंग होंगे बट कहाँ से आए होंगे ये रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलेंगी नेचुरली हैं ह्यूमन मेड नहीं होनी चाहिए देन दूसरी कैटेगरी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी अवेलेबल कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में नेचुरल रिसोर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन रिन्यूएबल नंबर टू नॉन रिन्यूएबल तो सबसे पहले देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश एंड रिप्रोड्यूस ईजीली इन्हें हम आसानी से रिप्लेनिश कर सकते हैं रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्हें हम क्या कर सकते हैं रिन्यू कर सकते हैं इसके नाम में ही आपको पता चल रहा है रिन्यूएबल यानी कि रिन्यू को हो जाएगी ये वाटर प्लांट एनिमल ये क्या है ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये जो है रिप्लेस इन टाइम हमारे जो लाइफ टाइम है उसमें ये रिप्लेस आसानी से हो सकती हैं विथ देआर फोर नॉट रन आउट ईजीली इसलिए जल्दी ख़त्म ज़्यादा नहीं होंगी फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर इना रवर एक रिवर में या इन अ वेल कुएँ में ड्राई अप अगर सूख गया तो बट वेन इट रेन जब बारिश पड़ेगी इट इज़ रिप्लैनिश्ड तो ये दोबारा से आ जाएगा ऐसी रिसोर्सेज जो हैं ओवर एंड ओवर अगेन बार बार आती रहती हैं प्लांट्स हैं कट गया तो क्या है हम दूसरा उगाएंगे तो हमारे लाइफ टाइम में आ जाएंगे एनिमल ये क्या है ये सब भी इसी में आते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू ये रीन्यूबल होते रहते हैं मिसमैनेजमेंट अगर हम इन्हें ठीक से मैनेज ना करें तो क्या है टर्न आ रीनबल नेचुरल रिसोर्स इंटू आ नॉन रिनल वन तो नेचुरल रिसोर्स जो है हमारी रीनएबल है जो हमारे लाइफ टाइम में रिन्यू हो सकती है वो नेचुरल रिसोर्स नॉन रिनल भी बन सकती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रीज हैं रेन्यूएबल रिसोर्स हैं लेकिन हम एक काट रहे हैं और उसकी जगह दो उगा रहे हैं तो तो रीनल हैं लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन बहुत सारे ट्री को कट कर दिया तो क्या है ये ये नॉन रेनबल हो जाएगा सेकेंड कैटेगरी नॉन रिनल नेचुरल रिसोर्स दीज आर दो रिसोर्स विच कैन नॉट बी रिप्लैनिश ईजीली जिन्हें आसानी से रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता कोल नेचुरल गैस ऑयल रॉक मिनरल ये सब क्या हैं ये सब नॉन रनबल हैं ये कहाँ से अंडर द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस के नीचे से निकलते हैं तो क्या है ये बहुत ही लाइफ टाइम से भी बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती हैं इन्हें बनने में हैं तो रीनबल लेकिन इतनी हमारी लाइफ की कैपेसिटी नहीं है इतनी हम नहीं जिएंगे मिलियंस ऑफ ईयर तक तो क्या है ये हमारे लिए नॉन रिनल माना जाएगा क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है दोबारा रिप्लानिश होने का वो बहुत ही ज़्यादा है इसीलिए इनका अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिना सोचे समझे हम कोल नेचुरल गैस ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह हैं गोल्ड सिल्वर इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे तो ये होते हैं हमारे नॉन रीनबल रिसोर्सेस नाउ अब अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबलिटी यानी कि खत्म होते हैं या नहीं एग्जॉस्ट हो पाता है या नहीं तो दो कैटेगरी हैं इनकी एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरी हैं इनएजॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज अब ये क्या है इसके लिए पहले हम देखेंगे एग्जॉस्टिबल इफ आर रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिज एट द सेम रेट एट विच इट इज यूजड जिस रेट से हम इसे यूज कर रहे हैं मतलब जितनी ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं उतनी सेम रेट से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है ये उतनी रेट से नहीं बन रही है तो ये क्या है ये एग्जॉस्टिबल है यानी कि हम इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कम बन पा रही है तो बाद में ये ख़त्म हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे कि मिनरल्स कोई भी हो कोल हो पेट्रोलियम है अब पेट्रोलियम है हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है और नेचर में जो ये बनेगा वो लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगा बहुत कम तो उसकी रेट जो है उतनी नहीं है जितनी रेट से हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म हो जाने वाली जो है वो एग्जॉस्टिबल कहलाती हैं अब दूसरी रिसोर्सेज जैसे कि वाटर एयर सनलाइट ये हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है जैसे हम सनलाइट देखें राजस्थान में काफ़ी गर्मी रहती है ठीक है रेगिस्तान तो है वहाँ तो वहाँ सनलाइट की अवेलेबिलिटी खूब है एयर वहाँ विंड मिल चलाएं तो बहुत अच्छी चलेंगी काफ़ी है लेकिन हम उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी अगर हम यूज़ भी करते हैं तो खत्म होने की वाली कोई बात नहीं है तो इस रिसोर्सेज को इन एग्जॉस्टिबल कहलाती हैं दे विल नेवर रन आउट ये कभी भी क्या नहीं हो सकती ख़त्म नहीं हो सकती जैसे हम एयर का एग्जाम्पल लें विच इज़ अबाउंडेंट एंड यूज फॉर सो मैनी पर्पजेज एयर को कई यूज़ में लिया जाता है और लिविंग थिंग ब्रीथ सांस लेने के लिए तो यूज़ करते ही हैं बाकी हम देखते हैं ब्लोइंग अप टॉयज़ जो गुब्बारे वगैरह हैं उनके लिए प्रोपोगेटिंग साउंडस के लिए फ्लाइंग प्लेन्स के लिए तो इनमें एयर का यूज़ होता है स्टिल इट नेवर गेट एग्जॉस्टेड लेकिन फिर भी क्या है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी सन सन सबसे बड़ी रिसोर्स है ये क्या है सोलर एनर्जी देता है सोलर एनर्जी हम यूज़ करें कितनी भी यूज़ करें बट क्या ये ख़त्म होगी बिल्कुल भी नहीं डेली सन निकलता है सूरज डेली निकलता है तो डेली सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं तो इस टाइप की जो है जी हैं वो इनएग्जॉस्टिवल रिसोर्सेज कहलाती हैं आई होप आपको सारी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज समझ आ गई होंगी एक बार इसे समराइज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं दैट आर जो हमारी ऐसी रिसोर्सेज जो हमें कहाँ से प्रोवाइड provide होंगी प्रोवाइडेड बाय नेचर जो हमें नेचर प्रोवाइड कराएगा वो नेचुरल हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन देखें तो बायोटिक बायोटिकाबाटिक दो रिसोर्स आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ अवेलेबिलिटी कितनी अवेलेबल हैं उस बेसिस पर आती हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्जॉस्टिबलिटी पर देखें तो एग्जॉस्टिबल और न एग्जॉस्टिबल रिसोर्स आती हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो